अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि कल गुज़िश्ता रोज जो है ईडी की कार्रवाई में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर एक बार फिर से बहुत बड़ा जुल्म हुआ, गैर कानूनी काम हुआ और हरासमेंट करने का, डराने धमकाने का और अपने आकाओं के लिए जिन्होंने इनको आगे जाकर के प्रेशर देने का, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को दबाने और कुचलने का जिन्होंने टारगेट दिया है उनके ईमेल पर काम करने का कल एक जीता जागता मिसाल हमें ईडी ऑफिसरान के जरिए से, हैदराबाद ईडी ऑफिसरान के जरिए से देखने को मिला। इसके पीछे कुछ हकायक जो कि आप सब लोगों को पता है, लेकिन वक्त के लिहाज से मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि ये ईडी ऑफिसरान की जो कार्रवाई है, जहां एक जानिब जुल्म, अत्याचार, इलीगल, गैरकानूनी और पूरी तरह से हरासमेंट पर आधारित था, उसी तरह से एक सोची समझी साजिश और अपने आकाओं, आका मतलब मकामी लीडर और हैदराबादी जमीन माफिया, उनके दिए गए इन्फ्लुएंस, उनके दिए गए प्रेशर और उनके दिए गए जेब खर्च को हलाल करने का एक तरीका था। तरीकाकार बहुत भोंडा था। ईडी हैदराबाद की यह कार्रवाई बहुत ही घिनौनी और बहुत ही साजिश के तौर पर थी। मैं बताना चाहता हूं, ईडी मजबूर है इस बात के लिए कि वो ये सब करे, और अगर नहीं करती है तो वो लोग जो इनके पीछे आका इनके हैं, वो इनको प्रेशराइज करेंगे और कहेंगे कि भैया जो हमने तुमको दिया, जिस काम के लिए दिया, जितना मांगा उतना दिया, तो तुम काम क्यों नहीं करते। इसलिए ईडी हैदराबाद को ये सब इलीगल काम और कार्रवाई करनी पड़ रही है। मिसाल के तौर पर साजिश और घिनौनी साजिश का आप लोग अंदाजा कीजिए कि जुमा और शनिचर, फ्राइडे और सैटरडे की रात को, जबकि 4 बजे पूरी दुनिया पूरी गहरी नींद में सो रही होती है, ईडी हैदराबाद के ऑफिसरान ऐसे दबिश देते हैं जैसे कि किसी, मतलब भाग जाने वाले किसी मुलजिम के घरों पर दबिश दिया जाता है। और एक दो जगह नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं ऑफिसरों को, सरकारी अहलकारों को, मैं कहना चाहता हूं कि जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज एक कॉल पर हर कोर्ट में, हर कोर्ट कचहरी में जब हाजिर है, तो इस तरह से चोरों जैसे, चोर दरवाजे से, ऐसे वक्त पर जब दुनिया सो रही होती है, ऐसे हरासमेंट करने की आप लोगों की घिनौनी साजिश का पर्दाफाश होता है। भाई आप नाश्ता करके चले जाते, भाई आप फोन करके चले जाते, 5 जगहों पर एक माहौल क्रिएट करके, अलग अलग लोगों को वहां पहुंच करके उनको यूं धर दबोच लेना, ये आप लोगों की मानसिकता को भली भांति दर्शाता है। 4 बजे पहुंचते हैं, जब इंसान सो रहा होता है, आदमी जाके दरवाजा खोलता है, ये धाक से अंदर घुसते हैं और घुस करके कहते हैं कि फला किस कमरे में है, वहां पहुंच जाते हैं और सबसे पहले घिनौनी साजिश नंबर 2, फोन कलेक्ट कर लेते हैं, कोई किसी को फोन ना कर सके। पहली बात तो फ्राइडे और सैटरडे की रात को ये दबिश देते हैं, और ऐसे दबिश देते हैं जैसे कोई, मतलब मेरे पास इस बात की कोई सबूत नहीं है कि कितना घिनौना अंदाज है ये। फ्राइडे और सैटरडे की रात को जाने का मतलब यह है कि कोर्ट कचहरी खुली नहीं होगी। सैटरडे और पूरे संडे हम जिस तरह से चाहेंगे हरास करेंगे, और फोन का कलेक्ट कर लेना, कहीं लीगल टीम को कोई फोन ना कर दे, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज कहीं इनके ऊपर के ऑफिसरान को तलब ना कर ले, इनके ऊपर के ऑफिसरान को यह ना बता दे कि भाई तुम्हारी मातहती में यह सब हो रहा है। हालांकि मैं, मुझे जैसे ही कल इस बात की इत्तला मिली, मैंने बोल दिया कि हीरा ग्रुप के ऊपर जो जुल्म हो रहा है हैदराबाद ईडी के जरिए से, वो कहीं ना कहीं ताकत का एक नाजायज फायदा उठाने का एक खमियाजा है। लिहाजा सैटरडे और संडे की रात को इनका दबिश देने का मकसद यह था कि 2 दिन तक कोर्ट और कचहरी बंद रहेंगी, तमाम सरकारी ऑफिसरान जो है आउट ऑफ स्टेशन होंगे, अपने कामों से बाहर होंगे, उनके मोबाइल फोन, सरकारी मोबाइल फोन स्विच ऑफ या साइलेंट होंगे। 4 बजे कौन जागता है, किसको फोन कर सकेंगे, फोन करेंगे भी तो नहीं उठा सकेंगे, और फोन करेगा भी तो कोई कैसे करेगा। पहुंच करके आप जो है सबके मोबाइल कैप्चर कर लेते हो, आप ऑफिसरान हो, सरकारी ऑफिसरान, आपकी एक जवाबदारी पर, एक कॉल पर
खास तौर से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी है जो किसकी है, आलमा डॉक्टर नोएरा शेख, एक कॉल पर पहुंचती है और कहती है कौन सा कागज चाहिए आप बताइए, हम आपके सामने रखने के लिए तैयार है। लेकिन आप लोगों की मंशा को दर्शाता हुआ ये आप लोगों का कदम 4 बजे रात की सुबह को भोर में, बल्कि भोर से भी कबल, आप लोगों का यू दबिश देना कहीं ना कहीं एक ब्लड प्रेशर के मरीज को, एक हार्ट के मरीज को और एक आराम की जिंदगी में रहने वाले शख्स को एकदम से डरा देने और चौंका देने के अलावा और कुछ नहीं था। मैं कहता हूं कि ईडी ऑफिसरान को आखिर इतना कोर्ट कचहरी और इनके ऊपर के ऑफिसरान से इतना डर क्यों है? डर यूं है कि इन्होंने ईडी ऑफिसरान हैदराबाद में इससे पहले बहुत सारी कोशिशें की हैं। मिसाल के तौर पर आवाम को बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों एक बोर्ड के लगाने के पादाश में ईडी ने एफआईआर किया था और एफआईआर करके कोर्ट में पहुंचे थे। कोर्ट ने कहा था कि तुम एक पक्ष हो, एक पार्टी हो, तुम जाओ ना, जा करके कोर्ट में इस बात को रखो, सुप्रीम कोर्ट में जहां की मैटर चल रहा है, एसएफआईओ जिस इस जो इस बात का मुकल्लफ बनाया गया है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मसाले में कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी पुलिस, कोई भी एहलकार, कोई भी सरकारी महकमा, जाकर के एसएफआईओ को मुकल्लफ बनाया गया, एसएफआईओ से रब्ता करे। कोर्ट ने कहा कि जब तुम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पार्टी हो या तुम्हें यह कहा गया है कि तुम इस मामले में दखल अंदाजी नहीं कर सकते हो, तो फिर भी तुम एफआईआर के जरिए से कोर्ट में पहुंच गए। तो ईडी की यह मजबूरी है कि कोर्ट से ईडी को फटकार करके भगा दिया गया था और यह कहा गया था कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मसाले में अब ईडी हैदराबाद किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन उसके बरक्स, उसके खिलाफ, उस ऑर्डर के खिलाफ जाकर के इन्होंने 4 बजे चोरों की तरह से, चोर दरवाजे से ऐसे वक्त में दबिश देते हैं जबकि लोग सो रहे होते हैं। अवाम की, खासतौर से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की, जिसने अपनी पूरी आजमाइश, चाहे वो कैद हो, चाहे मजलूमाना कैदो बंद की सोबत हो, चाहे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जरिया से मिली छूट हो, हर वक्त हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपने कागजात के बलबूते पर, अपने शवाहदात के बलबूते पर और अपनी हकानियत के बलबूते पर हमेशा अपनी आजमाइश और अपनी पेशी दी है। तो फिर इस वक्त जाने का क्या मतलब है? आप लोगों की मंशा पर, बहुत घिनौनी मंशा पर शक होता है। कुल मिलाकर के ये है कि इनको कहीं ना कहीं इनके आका जो है ऑफिसरान के, जिन्होंने इनको इन्फ्लुएंस में डाला है, इनको कहीं ना कहीं एक दबाव में डाला है कि भाई तुमको हमने भरपूर जेब खर्च दिया, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। इनको भी, ऑफिसरान को भी और ईडी ऑफिसरान को भी अपने जवाब तलब किए जाने का डर और खदशा है। डर और खदशा क्यों है? क्योंकि ईडी का अटैचमेंट होता है, ईडी का अटैचमेंट होता है, फिर भी हैदराबाद का माफिया, लैंड ग्राइबर, जमीन माफिया जो है वो 8 मंजिला बिल्डिंग बना लेता है। ईडी तो एक तरफ ये चाहती है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टी पर फायदा ना उठा सके, कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल करती है और कहती है कि मुकम्मल तरीके से हमारे अख्तियार में दिया जाए। भैया मुकम्मल तरीके से आपके अख्तियार में तो दिया गया था, लेकिन आपने सैयद अख्तर टोली चौकी से तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा ली ना आपके अटैचमेंट में। एक तरफ एक बोर्ड लगाया जाता है जमीनों की खरीदो फरोख्त के लिए और ईडी पहुंच जाती है एफआईआर करने और कोर्ट में पहुंच जाती है। एक तरफ 8 मंजिला बिल्डिंग, कई हजार स्क्वायर फीट पर 8 मंजिला बिल्डिंग बना ली जाती है। उस बिल्डिंग में बनाए गए पत्थरों में से, एक कंकरों में से, एक रेत के जर्रे में से एक जर्रा जो है ईडी की आंखों में नहीं खटकता। लेकिन अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपनी जायदाद पर इस पार्ट का बोर्ड लगा लेता है कि इस जमीन को हम अदालत के हुक्म पर खरीदो फरोख्त के लिए पेश कर रहे हैं, तो उस पर एफआईआर हो जाता है। ईडी साहब हैदराबाद के, आप किस कदर जुल्म करोगे, कितना आंखों में धूल झोंकोगे, अपनी गलत ताकत का कितना इस्तेमाल करोगे, गलत इस्तेमाल करोगे अपनी ताकत का जो कि मुल्क ने दिया है, देश ने दिया है, उसका इस तरह से नाजायज, सिर्फ 2 लोगों को खुश करने के लिए, हैदराबादी लीडर को और हैदराबादी जमीन माफिया को खुश करने के लिए इतनी बड़ी मतलब गलत कार्रवाई। 4 बजे आपका दाखिला, फूलों का छीन लेना, गाड़ियों का पर सीज लगा देना, मतलब क्या चाहते हो सर? किस डर और किस भरम में मुब्तला हो आप?
क्यों इतना ज्यादा घबराए हुए हो? घबराने की बात आई तो मैं बता देना चाहता हूं, कल जब कार्रवाई की इत्तला मुझे मिली तो लीगल टीम को मैंने फोन किया, तो उधर से उन्होंने कहा कि देखिए ये लोग तब सुधरेंगे, अभी कल ही जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर ईडी के जरिए से लगाए गए अटैचमेंट का वक्त मियाद मुकर्रर खत्म हो रहा था, लेकिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ के कहने पर जाकर के उस ऑर्डर पर स्टे लाया गया, जबकि ईडी ये चाहती थी कि इन जमीनों, इन जायदादों और इन तमाम तरह के मामलात को मुकम्मल तरह से हमारे अख्तियार में दे दिया जाए, लेकिन लीगल टीम ने जाकर के ऑर्डर लिया कोर्ट से कि अभी भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपनी जायदादों को इस हालत में कि ईडी अटैचमेंट किए हुए इस्तेमाल में ला सकती है, इस्तेमाल में ला सकती है। इस चीज से बौखलाए हुए ये ईडी ऑफिसरान जिन्होंने कल लगभग 24 घंटे तक जो सर्च ऑपरेशन किया है, डराने धमकाने की जो कोशिश की है, वो कुल मिलाकर के उसी ऑर्डर और उसी स्टे ऑर्डर से घबराए हुए, बौखलाए हुए, जहां जाते हुए ईडी साहब हैदराबाद आपको फटकार मिलती है, आपको जिल्लत मिलती है, आपको शर्म हया है कि नहीं है? आपको इस बात की हया है नहीं कि देश में कानून की बालादस्ती के लिए आपको इतनी बड़ी पोस्ट पर नाफिस किया गया है? आप इस चीज को कब मानोगे? दो लोगों की खुशी के लिए, चंद इन्फ्लुएंस के चक्कर में आपने क्या क्या कर डाला और कितना जुल्म कर डाला? एक ही इंसान को कितना ज्यादा टॉर्चर करोगे, एक ही कंपनी को कितना ज्यादा सताओगे? हमें इस बात से आप लोगों पर बहुत रहम आता है कि आप लोगों की ऐसी क्या मजबूरी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन नामी शख्स अलमा डॉक्टर नौरा शेख साहिबा की गैर मौजूदगी में ईडी के अटैचमेंट के बावजूद दाखिल होता है इनके फ्लैट में, इनके बंगले में, और वो बड़े धड़ल्ले से रह रहे हैं। ईडी साहब, आप एक बोर्ड लगने पर एफआईआर करने पहुंच जाते हो, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन नामी शख्स जो पहले पुलिस का अहलकार हुआ करता था, करप्शन में उसको बर्खास्त किया गया, अब हज कमेटी या वक्फ कमेटी का वो ऑफिसर बना हुआ था केसीआर के वक्त में, आज के वक्त में क्या है नहीं पता है, वो आपकी ईडी अटैचमेंट की हालत में दाखिल होता है और आज भी वो धड़ल्ले से रह रहा है। मैं कहता हूं कि अपने नाजायज, आपकी मातहती में हुए नाजायज कामों को छुपाने के लिए, आप अपने आकाओं को खुश करने के लिए किस हद तक जाओगे, ईडी ऑफिसरान किस हद तक जाएंगे? मुझे अफसोस होता है कि देश ने जो कानून और जो पावर आपको दिया है उसका गलत इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं आप अवाम का दिल तोड़ते हो। देखिए, जुल्म कम कीजिए, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मजलूम की दुआ, मजलूम की आह जो है वो समझिए कि अर्श रब्बे करीम के अर्श से टकराती है, और मजलूम की दुआ और रब्बे करीम के अर्श के दरमियान में कोई भी समझिए कि साया हायल नहीं होता, कोई भी पर्दा हायल नहीं होता। आप इस बात को समझिए, हर धर्म और हर मजहब में इस बात को कहा गया है कि मत सताओ किसी को, जरूरत से ज्यादा मत सताओ उसको, कानून और कायदे के मुताबिक जाने दो, आप भी कानून और कायदे के मुताबिक आओ। आपको हर एक, आप इतने जुल्म के साथ गए लेकिन आपको मुकम्मल तरीके से एचएस में गए, वहां पर जो भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इंप्लॉयज हैं उनको आप धर्ज दबोचते हो, दूसरे घर पर जाते हो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हेड ऑफिस पर जाते हो, ऐसे धर्ज दबोचते हो। सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल चुका है सर, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला 2.5 साल तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ की हिरासत के बावजूद ये सब हो चुका है सर, अब कौन सा काम करने आए हो? अच्छा, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ईडी ऑफिसरान ने कल ट्वीट किया कि एक ब्रिलियनर करोड़पति अरबपति शख्स के घर से 95 लाख रुपए मिले हैं, मतलब 1 करोड़ भी रुपए भी नहीं, उसको ट्वीट करना पड़ रहा है क्या है सर? 1 लाख करोड़ की मिल्कियत रखने वाली शख्सियत को आप यूं बदनाम करते हो कि 95 लाख रुपए, सर 1 करोड़ भी रुपए भी कैश में नहीं निकाले, आप उसको ट्वीट कर देते हो और कहते हो कि 5 इलीगल कंस्ट्रक्शन, सर ऑलरेडी आपके अटैचमेंट में है वो चीजें। तो कुल मिलाकर के ये है कि इलीगल है, नाजायज है ईडी का ये छापेमारी, और गलत वक्त पर छापेमारी, सैटरडे और फ्राइडे की रात में छापेमारी, संडे और सैटरडे के कोर्ट और कचहरियों के बंद होने के दरमियान छापेमारी, इलीगल है,
जुल्म है, गैर कानूनी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से कंपनी को चलने की इजाजत दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से यह कह दिया कि हमें तरस आती है तमाम एजेंसियों पर कि अभी इनकी ये औकात नहीं हो सकी कि एक चार्जशीट, एक रिपोर्ट और एक एफआईआर दाखिल करने की वजह को पेश कर सके। सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि तरस आती है हमको। बहुत सारी बातें हैं, इन्हीं बातों के साथ आवाम की तवज्जो में मबजूल कराते हुए कहना चाहता हूं कि इस तरह की कार्रवाइयां जो बड़े ख्वाब लेकर के चलता है उसके साथ होते रहेंगे। अगर वो शख्स हक पर है, अलमा डॉक्टर मोहरा शेख हक पर है, तो वो जांच पड़ताल देने से ना पहले कभी हटी थी, ना आइंदा कभी हटेंगी। इन बातों से घबराने की कोई जरूरत नहीं। अरे सर, सैटरडे को आ जाओगे, संडे को आ जाओगे, सर मंडे को तो कहीं ना कहीं कोर्टों में तो मिलोगे ही सही। लिहाजा हरासमेंट करने की कोशिश एक बार फिर से आज रात को लगभग 24 घंटे पर मुकम्मल करके ऑफिसरान वहां से गए, होदा पहाड़ निकली चूहिया, 95 लाख रुपए लेकर के उन्होंने जाके ट्वीट मारा है और कहते हैं कि जब धोबी सना जीते तो गधे का कान ऐठे सुना है कि आपने गाड़ियों को सीज कर दिया है। साहब, आपके गरिमा, आपके मर्तबे और आपकी उच्च स्थिति जो आपको देश ने दी है उस पर यह सब शोभा नहीं देता। साहब, 110 प्रॉपर्टियों को आपने अटैचमेंट में लिया है, आपके कलेजे को ठंडक नहीं मिली, गाड़ियों को जो है सीज करके आपको कौन सा सुकून मिल गया? तो वही है कि जब बड़े शख्स से ना जीत सको तो छोटे का कान पकड़ के ऐठ दो, गाड़ियों को सीज करके चले गए हैं। खैर, आप लोगों की कार्रवाई, आप लोगों की देश प्रेम अगर यही सिखाता है कि लोगों को यूं ही टॉर्चर करो, कोर्ट कचहरी में मैटर को सुलझा नहीं सकते, कोर्ट कचहरी में आकर के अपने हकानियत को सबूत दे नहीं सकते, तो आप यूं ही टॉर्चर कीजिए, आपकी शान को यही सब शोभा देता है। लिहाजा अवाम से कहना चाहता हूं कि आज हमारा देश पीछे से पीछे क्यों होता जा रहा है। कोई भी शख्स जिस तरह से कहते हैं कि कोई भी औरत मर्दों के, जानवरों के और दरिंदों के डर से बाहर नहीं निकलती, डरती है बाहर निकलने से, उसी तरह कोई भी शख्स कारोबार करने से डरता है कि अगर चौक चौराहों पर खड़े होकर के छोटे से कारोबार, छोटी सी मूंगफली की दुकान अगर चलाना चाहता है तो वो नहीं चला पाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑफिसरान आकर के उसके बच्चों के लिए जो कमाए हुए माल, जो फायदा रकम होता है वही लेकर के चल जाते हैं। इसलिए बेरोजगारी का, समझिए कि हमारे देश का आवाम बेरोजगार रहना तो मुनासिब समझता है, लेकिन इस तरह के मामला से ऑफिसर लॉबी की वजह से, ऑफिसर लॉबी की टॉर्चर की वजह से वो आगे नहीं बढ़ना चाहता कि कौन देगा इतनी रकम, कौन देगा आकर के, दिन दिन भर कौन खड़ा होगा। और सबसे बड़ी जुल्म की बात कि जब दो रुपए मुनाफे के कमाते हैं तो या तो इलाके के गुंडा माफिया आकर के ले जाते हैं और उनसे बचते हैं तो पुलिस अहलकार आकर के ले जाते हैं। मैं कहता हूं कि आज हमारा देश दुनिया के सबसे बड़ा मालदार होने के बावजूद भी अगर कहीं ना कहीं ये पीछे है तो यही सम्मान सीखता है। और अगर हमारा देश पीछे है, अगर कोई कारोबार नहीं कर रहा, तिजारत में कोई आगे नहीं है, लोग मुफलिसी की जिंदगी जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की, जिनके हाथों में पावर है, अल्लाह ने जिसकी हाथ में ताकत है, वो मदद, ताउन और किसी ना किसी तरह से सपोर्ट करने के बजाय उनको टॉर्चर करते हैं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो कि लाखों लोगों को रोजी रोटी, लाखों लोगों के पीछे 25-30-50 लाख लोगों को रोजी रोटी देती थी, उसके ऊपर इतना जुल्म कि वो खड़ी हो जाएगी तो चंद लोगों को रोजगार मिल जाएगा। क्या चाहते हैं आप लोग? ऐसा ना करें। आप लोग अपनी ताकतों का बेजा इस्तेमाल ना करें। अवाम ये समझ ले कि ये सब एक गीदड़ भपकी के सवा कुछ नहीं था, खत्म हुआ, ले गए जो कुछ उनको जांचना पड़तालना था, 25-50 लाख रुपए लेकर के चले गए, 1 करोड़ रुपए भी नहीं थे, और जो कि कानूनी कार्रवाइयों के लिए, कानूनी मामलात में इस्तेमाल करने के लिए कहीं ना कहीं कैश देना पड़ता है हर जगह जो है ऑनलाइन। जो कंपनी लगभग 100 करोड़ रुपए इनकम टैक्स देती है, वो 1 करोड़ रुपए अपने पास कैश नहीं रख सकती, जब्त कर लिया। हो सकता है कुछ लोगों की तनख्वाहों के लिए रखा हो। आज आप लोग जब आए तो 3 तारीख थी कैलेंडर में, हो सकता है लोगों की तनख्वाहें देने के लिए, अब आप लोग उसको कैश में ले जाकर के बंद बोरियों में ना आपके काम आ सकता है, ऑफिसरों के काम आ सकता है, न ही किसी और के काम आ सकता है। बस अगर हो सकता है तो लोगों की तनख्वाहें रुक जाएंगी, ऑफिस में जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की मातहती में जो काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें रोक लोगे, बस इतना करोगे, लोगों के भूखे रहने में मददगार साबित होगे। आप लोगों की पोस्ट, आप लोगों का पावर आपको यही इजाजत देता है। लिहाजा कुल मिलाकर के मैं यही कहना चाहूंगा कि इल्लीगल हरासमेंट, गैर कानूनी, नाजायज, ये दबिश
रात के फ्राइडे और सैटरडे के रात के 4 बजे मोबाइल का छीन लेना, लोगों को कैद कर लेना, लोगों से बाहर से रब्ता ना रहने देना, अंदर लेके लोगों को बाहर ना आने देना, बाहर के लोगों को अंदर ना जाने देना, ये कहीं ना कहीं बौखलाई हुई हैदराबाद पीडी की एक कार्रवाई थी। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।